हेलो एवरीवन, IITS द्वारा रन किए जाने वाले इस यूनिक करियर फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के आपको लेटेस्ट प्लेसमेंट बताने वाले हैं। साथ ही में हम इस कॉलेज के जेई मेंस के कट ऑफ, जहां हम ईच एंड एवरी ब्रांच के आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। इसी के साथ यहां का फी स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक जैसी भी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एंड तक जरूर बने रहे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए फ्रेशर्स गेट को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर करें। सो गाइस, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अपने यूनिक एजुकेशनल करिकुलम और कई सारी स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज के लिए ऑलरेडी फेमस तो है ही, जहां आपको कई सारी यूनिक इंजीनियरिंग की ब्रांचेस मिल जाती है। जैसे आप इस चार्ट में देख रहे हैं कौन कौन सी ब्रांचेस है और उनके सीट मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ पे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैटेगरी वाइज आप लोगों के लिए कितनी सीटें यहाँ पे रिजर्व है उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। यानी कि 14 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस मिला के यहाँ पे आप लोगों के लिए टोटल 600 सीट्स अवेलेबल है। इनफैक्ट जो गर्ल्स की सीट है उसे हम फीमेल सुपर न्यूमेरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए गाइज, सीट मैट्रिक्स तो आपको पता चल गया है, अब हम यहाँ पे एवरी ब्रांच के कट ऑफ पे भी एक नजर डालती है। तो कट ऑफ के लिए भी हमने आप लोगों के लिए एक इंटीग्रेटेड चार्ट बनाया है। तो चार्ट में आप देख सकते हैं एवरी ब्रांच के हमने एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक्स यहां पे दिए। फॉर एग्जांपल, जैसा फर्स्ट ब्रांच आप देख रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग, तो यहां पे ओपन कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हो और आपका 22,000 के अंडर का रैंक है तो आपको ये केमिकल इंजीनियरिंग जरूर मिलेगा। साथ ही में अगर आप EWS, OBC, NCL, SC, ST इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका हमने यहाँ पे कैटेगरी रैंक का कट ऑफ दिया हुआ है। जी हाँ गाइज, ये आपका कैटेगरी रैंक कट ऑफ है। अगर आप OBC, NCL से बिलोंग करते हो और आपका 7,700 के अंडर का कैटेगरी रैंक है तो जाहिर सी बात है आपको केमिकल इंजीनियरिंग जरूर मिलने वाला है। इसी तरह आप CSE का भी कट ऑफ देख सकते हैं। इसी के साथ हमने IDD CSE दिया। IDD यानी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स, ये BTEC प्लस MTEC का डिग्री आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही में जो हमने MNC लिखा है उसका मतलब है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वो ई व्हीकल के ऊपर फोकस ब्रांच है, तो काफ़ी इनोवेटिव ब्रांच है, आने वाले समय में इसको भी काफ़ी डिमांड आने वाला है। तो कट ऑफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हाई कट ऑफ इस कॉलेज के जाते हैं। साथ ही में जियो साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है, ये भी काफ़ी फेमस है, और यहाँ का जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांच है गाइज वो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं। तो आपके फेवरेट ब्रांच के कट ऑफ को देखने के लिए आपको वीडियो के इस सेक्शन को पॉज करना है और फिर आगे बढ़ना है। सो चलिए गाइस, कट ऑफ के इस सेक्शन के बाद हम अब फी स्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस करते हैं। तो फीस के लिए भी हमने यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चार्ट दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हमने ऊपर में फीस दिया हुआ है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल OBC EWS इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे SC ST PWD से भी बिलोंग करते हो, तो जो सीट एक्सेप्टेंस फी है सभी के लिए सेम है, 30,000 rupees आपको सीट एक्सेप्टेंस फी लगना ही लगना है। फिर रिमेनिंग फी जो है आपका, जैसे जनरल OBC EWS के लिए 1,21,000 के आसपास आपका BTEC का फी रहेगा। साथ ही में जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री के लिए जाना जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको यहाँ पे 1,22,000 के आसपास का फी लगेगा पर सेमेस्टर के, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी प्रकार आप SC ST PWD का भी फी देख सकते हैं। तो टोटल गाइस ऐसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 1,51,000 के आसपास फी लगने वाला है BTEC का। साथ ही में जो SC ST PWD है उनको 1,26,000 के आसपास लगेगा। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर से आपका फी काफी कम हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे सेक्शन में, जनरल OBC EWS का सेकेंड सेमेस्टर में फी 1,36,000 के आसपास हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका मेस फी है वो भी हमने दिया है 20,000 पर सेमेस्टर का। और गाइज, यहाँ अगर आपको लग रहा है कि यहाँ का सेमेस्टर वाइज फीस काफी ज्यादा है तो डोंट वरी, यहाँ आपको कई सारे स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल की जाती है। तो इस रिगार्डिंग आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके सभी चीजें रीड करनी ही चाहिए। इनफैक्ट हमने सभी इंपॉर्टेंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देके रखे हुए। सो चलिए गाइज, इतने बड़ी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद अब बारी आ जाती है यहाँ के प्लेसमेंट को समझने की। तो प्लेसमेंट यहाँ का अभी भी चल रहा है,
इन द मंथ ऑफ दिसंबर फाइनल प्लेसमेंट आ जाएगा, तब हम आपको इस रिगार्डिंग जरूर अपडेट देने वाले। और जो प्लेसमेंट की अभी शुरुआत हुई है वो किस तरह से हुई है वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम केमिकल ब्रांच की बात करें तो अभी फर्स्ट ही मंथ चल रहा है प्लेसमेंट का, तो जिसमें 12 बच्चे प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी 17 लाख का गया है, एवरेज 11 लाख का निकल के आ रहा है और लोवेस्ट 6 लाख का है। वहीं पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, यहाँ का मोस्ट फेमस ब्रांच, जिसमें अभी तक 22 बच्चे प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी 24 लाख पर एनम का गया है। यहाँ मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि फाइनल प्लेसमेंट अभी भी होने बाकी है, इसके लिए आप वेट कीजिए, दिसंबर में हम आपको फिर से फाइनल प्लेसमेंट बताने वाले हैं। और एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें गाइस पेट्रोलियम की, तो 10.65 लाख का एवरेज एंड लोवेस्ट पैकेज 4.80, यानी लगभग 5 लाख का लोवेस्ट पैकेज था। वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में गाइस अभी तक 13 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी 10 लाख पर एनम का अभी तक स्टूडेंट्स को मिल चुका है। 8.15 लाख का यहाँ का एवरेज एंड 4.50 का लोवेस्ट सैलरी था। वही हमारे पास लास्ट ब्रांच है यहाँ का अभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें अभी तक 5 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। लगभग 18 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 10 लाख का एवरेज एंड 4.50 का लोवेस्ट सैलरी अभी तक यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। तो जस्ट 1 मंथ हुआ है प्लेसमेंट को स्टार्ट हुए, आपको दिसंबर 2024 तक के रुकना है, जहाँ पे फाइनल प्लेसमेंट आ जाएंगे और हम आपको इस रिगार्डिंग अपडेट भी जरूर देने वाले। तो इसके लिए प्लीज़ आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी जरूर रखें और बेल आइकन भी जरूर दबा के रखें, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशन सबके साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।